गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज अपन पढ़ेंगे सोशल एक्सप्रेस। इसमें अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, आर चेंजिंग अर्थ। इसमें आपने अर्थ फिक्स तक पढ़ लिया था। देखिए, द अर्थक्वेक, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल big and small portion called plates. These plates always move on the semi-molten and molten material below. In several situations, these collide or go past each other or divide from each other. In each case, massive waves or vibrations are generated at a certain point. These vibrations are called earthquakes. The point or origin of an earthquake inside the earth is called seismic focus or hypocenter. That is where the earthquake occurs. From this point, shock waves spread out in all directions. The waves can be longitudinal or transverse. तो ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जो है अर्थक्वेक क्या होता है, सडन जो है शेकिंग ऑफ अर्थ होता है। और आपको इसमें से कुछ टर्म्स बताई थी, एपिसेंटर क्या होता है, सिस्मिक फोकस क्या होता है। तो इसमें देखिए, अर्थ जैसे अपनी अर्थ में जो है कुछ प्लेट्स बनी हुई है। देखिए, जो प्लेट्स है आपस में एक दूसरे से या तो टकराएगी या एक दूसरे से डाइवर्ज होगी। तो जब ये डाइवर्ज होगी, इनका जो कोलिजन होगा, तब उसमें से एक शेक क्रिएट होगा, उसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का एक फोकस होता है, और जहाँ पे ये जैसे इसका होता है स्पॉट ऑन द, जिस स्पॉट पे ये करता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो ये आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया गया था। द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें फोकस कहा जाता है, उसे सिस्मिक फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, ये वो जगह होती है जहाँ से अर्थक्वेक आता है। फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से क्या अर्थक्वेक की जो वेव्स है सारी डायरेक्शन में, देखिए ऐसे यूँ स्प्रेड हो जाती है ये वेव्स। द वेव्स कैन बी, ये वेव्स देखिए लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है या फिर ऐसे ट्रांसवर्स भी हो सकती है। द स्पॉट ऑन द अर्थ सर्फेस अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, देखिए यहाँ पे जैसे ये फोकस है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होगा एपिसेंटर। द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे अर्थक्वेक का जो है इफेक्ट, जहाँ पे अर्थक्वेक का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ये वही एपिसेंटर होगा। इस पॉइंट पे कहते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है अर्थक्वेक का। ड्यूरिंग द गुजरात में देखिए अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में आया था। भुज वॉज द एपिसेंटर, तो भुज क्या था, एपिसेंटर था, मतलब इस जगह पे जो डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। ग्रेटेस्ट डैमेज है जो एपिसेंटर के यहीं होता है, और अगर अपन धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन का जो एक्सटेंट है वो भी कम होता जाता है, मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होता है, एपिसेंटर के यहाँ डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अ वीक पॉइंट इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक लेयर्स हैव रप्चर्ड एंड स्प्लिट इज कॉल्ड फॉल्ट। अब देखिए फॉल्ट क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का सबसे वो वीक पॉइंट जहाँ पे जो अर्थ की रॉक लेयर्स वो होती है रप्चर हो जाती है या फिर स्लिप हो जाती है, उसे फॉल्ट कहा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एंड दे आर लाइकली टू रीअकर इन दिस पार्ट आफ्टर द फर्स्ट बिग क्विक, स्मॉलर क्विक्स और ट्रिमर्स में हैपन, दिस इज कॉल्ड आफ्टर शॉक्स। जब देखिए अर्थक्वेक आ जाता है, फर्स्ट बड़ा सा फर्स्ट बिग क्विक आ जाता है, तो इसमें देखिए कुछ स्मॉलर क्विक्स या फिर क्या है ये चीज़ें हो सकती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इस कंडीशंस को आफ्टर शॉक कहा जाता है। अब अर्थक्वेक के मेन कॉजेज बताए गए हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, फोल्ड एंड फॉल्ट, एक्सप्लोजन बाय ह्यूमंस। तो ये 4 मेन कॉजेज है अर्थक्वेक आने के। द रीजन इन विच अर्थक्वेक्स आर नोन टू अकर इज कॉल्ड सिस्मिक जोन, जिस रीजन में अर्थक्वेक आएगा उसे सिस्मिक जोन कहा जाता है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थक्वेक इन दिस वर्ल्ड हैपन अराउंड द पैसिफिक रिम, ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। मोस्टली देखिए 70% अर्थक्वेक जो है पैसिफिक रिम में आते हैं, इसीलिए इस रिंग को क्या कहा जाता है, इस रिम को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अ जोन ऑफ वॉल्केनोज एंड सिस्मिक एक्टिविटी 32,500 किलोमीटर लॉन्ग डेट एनसर्कल्स द पैसिफिक ओशियन डेट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो देखिए मोस्टली सारी एक्टिविटी क्या है यहीं पे होती है, इतना किलोमीटर जो है लॉन्ग है इस पूरे पैसिफिक को, इतनी जिससे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है
अर्थक्वेक 70% अर्थक्वेक पूरे वर्ल्ड में इसी एरिया में आते हैं, डेट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। मतलब जो इसने अभी बताया 32,500 किलोमीटर लॉन्ग है, तो इस पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स है। अब है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक आ तो गया, उसको अपन मेजर कैसे करेंगे। तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, मतलब वो कितनी स्पीड से आया था, कितना उसने डिस्ट्रक्शन कॉज किया, तो उसको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, द सिस्टम यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द रिचर स्केल। जिस सिस्टम से अपन जो है अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उसे रिचर स्केल कहा जाता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड नॉट अ फिजिकल डिवाइस। ये मैथमेटिकल फार्मूला का कलेक्शन है एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है या फिर सिस्मोमीटर। अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी लेसर देन 5 आर नॉट जनरली फेल्ट बाय अस। तो देखिए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर 5 से कम है तो क्या अपन उसको फील नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे हमें पता चलता है कि अभी अर्थक्वेक आया था, अपन को पता ही नहीं चलता है, अपन को तो जो है न्यूज़ से पता चलता है कि अभी जो अर्थक्वेक आया था इतनी इंटेंसिटी से, तो 5 से कम होता है तो अपन को पता नहीं चलता। एंड अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 4, अगर उसकी इंटेंसिटी 4 है, ओवर टर्न्स अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक सम डिशेज, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा जिससे कुछ डिशेज वगैरह जो है टूट सकती है। लेकिन एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 4, अगर 5 की इंटेंसिटी आ गई तो उसको अपन हर कोई फील कर सकता है, और अगर 6 की इंटेंसिटी आ गई या फिर इससे ज़्यादा आ गई तो इसे क्या कहा जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो अर्थक्वेक। और 7 अगर उसकी इंटेंसिटी होगी तो उसे कहा जाता है मेजर अर्थक्वेक। तो ये इसकी इंटेंसिटी के ऊपर अर्थक्वेक को क्लासीफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अब अर्थक्वेक वेव्स की भी टाइप्स है उसको भी देखिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो देखते हैं ये क्या होती है। अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द फास्टेस्ट एंड अराइव एट फर्स्ट। तो देखिए प्राइमरी वेव्स जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है और वो पहले आ जाती है। प्राइमरी वेव्स उनकी देखिए स्पीड क्या होती है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो एक सेकेंड में जो है 6 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं एंड कॉज रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उनकी इनिशियल पोजिशन, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, तो इनिशियल पोजिशन ये हुई इसकी, फाइनल पोजिशन ये हुई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स को या तो एस वेव से डिनोट किया जाता है और ट्रांसवर वेव, इसे ट्रांसवर वेव भी कहा जाता है। अराइव नेस्ट एंड अलो द पार्टिकल्स टू मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स। ये वेव्स आती है तो इससे क्या होगी, जैसे ये पार्टिकल्स को उस तरीके से मूव करती है उसके परपेंडिकुलर राइट, जिस डायरेक्शन में क्या है वेव्स मूव कर रही है, जैसे इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है मान लीजिए, तो ये पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में इसके 90 डिग्री मूव कराएगा राइट एंगल में। अब सरफेस वेव्स क्या होती है, इसे एल वेव्स भी कहा जाता है। ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है और सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ वेव होती है ये सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइप होती है सिस्मिक वेव्स की। दे आर सेम एज वाटर वेव, ये वाटर वेव्स की बिल्कुल जैसी है। अब इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के क्या क्या इफेक्ट हैं, स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स इवन कैन बी सेवरली डैमेज्ड व्हेन द ग्राउंड गिव्स वे बेनिथ डैम। तो देखिए इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या क्या डैमेज है इस पूरे पैरा में बताया गया है। इसमें ये है कि जब अर्थक्वेक आता है तो देखिए कुछ बिल्डिंग्स होती है ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर जो फ्लड जहाँ पे जो है इनके कारण जो है कुछ एरियाज में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे क्या है कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है या फिर कहीं पे फ्लड आ जाती है या फिर जो है कहीं पे जैसे जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो ये जो है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक यहाँ से यहाँ तक है। अब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिससे क्या अर्थक्वेक
प्रूफ बनाई जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना वाटर प्रूफ है, इसमें जो है पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स भी होती है, अगर अर्थक्वेक आ भी गया तो इस बिल्डिंग्स में कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या है, तो कैसी होगी वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। सबसे पहला है जो देखिए विंडोज, जैसे दीवार होती है ना, अपन कहते हैं दीवार खोखली होती है, तो जो वॉल कभी भी क्या है हॉलो नहीं होना चाहिए, पूरी सीमेंटेड होनी चाहिए, दीवार पूरी भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट यही है, जो वॉल हॉलो नहीं होनी चाहिए। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ विंडो एंड डोर फ्रॉम द अदर शुड, जो डिस्टेंस विंडो और डोर की जो एक दूसरे की आपस में डिस्टेंस है वो भी क्या है ज़्यादा, कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन शुड बी मेड ऑफ द रेनफोर्स्ड, RCC कराई भी होनी चाहिए, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन एट द, और मेन पता है ध्यान का रखना चाहिए, जहाँ पे जो है दो दीवारों का क्रॉस जॉइंट होता है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए RCC करानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, द फ्रेमवर्क ऑफ द बिल्डिंग शुड बी बोल्टेड सिक्योरली टू द फाउंडेशन टू कीप इट इन प्लेस, अ क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट मस्ट बी कंसल्टेड। तो देखिए उसकी जो है नींव भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, फ्रेमवर्क उसका मजबूत होना चाहिए उस बिल्डिंग का। और फिफ्थ है जो है आपको अच्छा सा क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को ही बोलना चाहिए कि जो आपका घर है वो डिज़ाइन करें। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेदरिंग और इरोजन देखेंगे।